तो लास्ट टाइम YDSC में हमने ये न्यूमेरिकल्स शुरू किए थे, तो ये कंडीशन है मैक्सिमा मिनिमा की, और एंगुलर पोजीशन भी मैंने आपको बता दिया क्या है। इसमें दो फॉर्मूले लिखे हैं, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, तो x ऑफ n बाई डी, वेर एक्स एन का मतलब क्या है, n लैम्डा d बाई डी, और डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला अलग बना दिया, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2d। तो आप समझ रहे हो कि दो फॉर्मूला अलग अलग है, पर मेरे हिसाब से फॉर्मूला एक ही सफिशेंट है, एक्स एन बाई कैपिटल टी। ठीक, तो हमने इसके दो कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, ये कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 से करना है, ट्राई करो प्लीज। क्या क्वेश्चन है चेक करो, क्वेश्चन है YDSC एक्सपेरिमेंट में विड्थ ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन। क्या गिवन है, लैम्डा। क्या गिवन है, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का मतलब बीटा। कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ, नई फ्रिंज विड्थ निकालो बीटा। इफ पूरा अपरेटस इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। पूरा YDSC को सेटअप को हमने इसी मीडियम में डाल दिया। अब मुझे पता है जो बीटा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा डी। तो हमने अगर इसको डेंसर मीडियम में डाल दिया तो ना तो कैपिटल डी चेंज किया ना स्मॉल डी चेंज किया, तो चेंज क्या होगा, लैम्डा। हमने पिछले लेक्चर में किया था कि अगर लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है और अगर मीडियम चेंज किया जाए तो नई वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बाय म्यू। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर लैम्डा बाय म्यू पुट करोगे तो बीटा भी क्या आएगा, बीटा बाय म्यू। तो फॉर्मूला रजिस्टर में एक और फॉर्मूला नोट करो कि फ्रिंज विड्थ, नोट करो फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू है बीटा डैश विल बिकम बीटा बाय म्यू इन अ गिवन मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर। तो ये फॉर्मूला भी ट्रू है, लैम्डा डैश लैम्डा बाय म्यू, और वहीं पर नोट कर लो बीटा डैश इज बीटा बाय म्यू। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो दो फॉर्मूलाज काम के फॉर्मूलाज हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है, नेक्स्ट।
नेक्स्ट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट फ्रिंजेस गिवन, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर सकते हो, सेंटर ऑफ एडजेसेंट फ्रिंजेस का मतलब बीटा होता है, सेंटर ऑफ एडजेसेंट फ्रिंजेस का मतलब बीटा, पता है क्यों होता है? ये देखो, ये एक डार्क फ्रिंज है और ये मान लो एक ब्राइट फ्रिंज है, ये विड्थ क्या है? बीटा, ये विड्थ क्या है? बीटा, तो इनके सेंटर्स की विड्थ भी एग्जैक्टली क्या निकल के आएगी? बीटा, इक्विडिस्टेंट है ना, बराबर विड्थ होती है, तो सेंटर के बीच में विड्थ क्या होती है? बीटा गिवन है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। स्क्रीन इज 1.5 मीटर अवे, कैपिटल डी गिवन है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस स्लिट्स, छोटा डी निकालना है, आसान है, लैम्डा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी, लैम्डा तो है ही नहीं, लैम्डा की जगह क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, सॉल्व करके क्या आएगी? लैम्डा आएगा, लैम्डा आ गया तो बीटा इज लैम्डा डी बाय स्मॉल डी से आंसर आएगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मैं मिलते जुलते क्वेश्चन आपको होमवर्क देने वाला हूँ आज, आप घर पे आराम से बैठ के करना और सीख जाओ कि कैसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 3 mm, क्या गिवन है? छोटा डी, ठीक, तो इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स क्या गिवन है? छोटा डी, स्लिट्स 2 meter अवे, क्या गिवन है? बड़ा डी, टू इंटरफेरेंस पैटर्न्स कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन ऑन वन ड्यू लाइट विद वेवलेंथ ऑफ 480 नैनोमीटर, तो एक स्क्रीन के ऊपर लैम्डा कितना है? 480 नैनोमीटर, एंड अदर विद अ वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर, दो वेवलेंथ्स गिवन है, व्हाट इज सेपरेशन ऑन द स्क्रीन बिटवीन फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ टू इंटरफेरेंस पैटर्न, मतलब पहले स्मॉल डी कैपिटल डी गिवन है, फिफ्थ ब्राइटनेस की का जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एन लैम्डा डी बाई डी, ठीक, अब इसमें दो फिफ्थ ब्राइटनेस निकलेंगे क्योंकि लैम्डा डिफरेंट है, तो पहला लैम्डा पुट करो एक्स फाइव निकालो, लैम्डा को चेंज करो एक्स फाइव निकालो, वो कह रहे हैं इनमें डिफरेंस क्या होगा दोनों के फिफ्थ ब्राइटनेस में, तो दोनों को उठा के माइनस कर दो आंसर आएगा। समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करने? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ इज यूज्ड एंड nth ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट पी, तो लैम्डा गिवन है और nth ब्राइट फ्रिंज है, भाई पी पॉइंट पर nth ब्राइट फ्रिंज में n तो दे ही नहीं रहा, पांचवी छवीं सातवीं ब्राइट पता नहीं कौन सी ब्राइट है, nth ब्राइट है, कीपिंग सेम सेटिंग, सेटिंग का मतलब ना कैपिटल डी चेंज करना है ना छोटा डी चेंज करना है, सेटिंग सेम है, सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन, तो लैम्डा चेंज कर दिया, एंड नाउ एन प्लस वनथ ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट पी, पी को नहीं छेड़ा, दूरी सेंटर से पी पॉइंट की उतनी रखी, अगर आपने पहला लैम्डा यूज किया तो वहां पांचवी ब्राइट फ्रिंज यूज हो रही है, सॉरी nth ब्राइट फ्रिंज बन रही है, अगर आपने लैम्डा चेंज किया तो n प्लस वन ब्राइट फ्रिंज, पॉइंट वही है x वही है, तो बताओ इस केस में n क्या है, तो x वही है, तो nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस होता क्या है, n लैम्डा d बाई डी, डी और डी ऐसी रखो, लैम्डा पुट कर दो, x आ गया, जब आपने वेवलेंथ को चेंज किया तो वो क्या कह रहे हैं, n की जगह क्या हो गया, n प्लस वनथ ब्राइट, n प्लस nth, n प्लस वनथ ब्राइट का डिस्टेंस क्या हुआ, n प्लस वन लैम्डा डैश d बाई डी, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, x चेंज नहीं हुआ। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, लैम्डा 6000 से 5000 हुआ, कम हुआ, दूसरे केस में लैम्डा कम हुआ, अब x को क्या रखना है, सेम, तो अगर लैम्डा कम हुआ तो n को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो उसने n प्लस वन बोला, बढ़ गया, ताकि इनका प्रोडक्ट क्या रहे, सेम, ठीक है, खैर इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, उसने बोला n तो n पुट कर दिया, n प्लस वन तो n प्लस वन पुट कर दिया, x सेम है, दोनों को इक्वेट कर लें, इक्वेट करके अपना आप n आ जाएगा आंसर, तो समझ में आ रहा है, nth ब्राइट और n प्लस वनथ ब्राइट का डिस्टेंस निकाला, इक्वेट कर दिया, क्योंकि लैम्डा चेंज हो गया ना, तो पॉइंट पी पे अगर वह पांचवा मैक्सिम है तो फ्रिंजेस फ्रिंज विड्थ छोटी बड़ी हो जाएगी लैम्डा से, अब छः बन गए वहाँ पे पाँच की जगह ऐसे, तो नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 800 और 600 इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन YDSC, 1.4 मीटर अवे कैपिटल डी गिवन है, इफ टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 स्मॉल डी गिवन है, कैलकुलेट लीज डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम, पी पॉइंट की दूरी बताओ कम से कम क्या हो, ताकि ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ द टू वेवलेंथ कोइंसाइड, ताकि ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड हो जाए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, वो भी तो ये कह रहा था कि पी को मैं चेंज नहीं करूंगा, तुम लैम्डा चेंज कर दो ताकि एन और एन प्लस वनथ ब्राइट कोइंसाइड हो जाए, अब इसकी ये समस्या है क्वेश्चन की, ये कौन सी फ्रिंज चल रही है पता नहीं, वो कह रहा है पी पॉइंट पर कोई ब्राइट फ्रिंज बनती होगी, कौन सी पता नहीं, फिर वो कह रहा है लैम्डा को चेंज कर दो और पी पॉइंट पर फिर से कौन सी बननी चाहिए, ब्राइट ही बननी चाहिए, कौन सा नंबर पता नहीं, अब ऐसे तो ये भी हो सकता है, अगर मैंने लैम्डा वन यूज़ किया तो पी पॉइंट पर पांचवा ब्राइट आता है, जब मैंने लैम्डा टू यूज़ किया तो सातवां ब्राइट आ जाए, आठवां आ जाए, नौवां आ जाए, ब्राइट तो ब्राइट है ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है क्या नंबर है, तो मुझे नहीं पता लग रहा कि क्या नंबर है, तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सेंटर, वो पी पॉइंट की दूरी बतानी है क्या है, पर एक चीज़ उसने मेंशन कर दी कि आपको लीस्ट केस सॉल्व करना है, लीस्ट का मतलब क्या होता है, लीस्ट का मतलब है कि एक्स तो चेंज करना नहीं हमने, तो मान लेते हैं कि पहले उस पी पॉइंट पर nth ब्राइट बन रहा था, तो nth ब्राइट क्या हुआ, n लैम्डा डी बाई डी, nth ब्राइट हो गया, अब जब आपने लैम्डा को चेंज किया तो वहां पर बना तो ब्राइट ही, अब मुझे पता नहीं ना कि अगला ब्राइट क्या बनेगा, n की जगह n प्लस वन बनेगा, टू बनेगा, थ्री बनेगा, फोर बनेगा, कुछ भी बन सकता है, पर उसने लीस्ट केस बोला, लीस्ट केस में क्या होगा, n के बाद कौन सा नंबर आएगा, n प्लस वन ही तो आएगा, कोई कहता है n माइनस वन भी तो आ सकता था, एक आगे एक पीछे, पर यहाँ पर n प्लस वन ही आएगा, क्यों, x को सेम रखना है,
लैम्डा की वैल्यू चेक करो न्यूमेरिकल में, कहां से कहां की हमने 800 से 600 कम की। तो अगर लैम्डा कम कर रहे हैं तो एन को तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, ताकि इनका प्रोडक्ट क्या रहे, सेम। तो एन माइनस वन नहीं होगा, एन प्लस वन होगा। पर अगर आपने लैम्डा को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, फिर एन माइनस वन हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो एक्स तो सेम रखा, फिर से इक्वेट कर दिया, तो डी और डी कैंसिल, लैम्डा दोनों गिवन है, सॉल्व करके एन आ गया। तो ये यहाँ एन पुट कर लो तो एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, आपको इसमें एन नहीं, आपको एक्स निकालना है, एक्स आ गया। तो समझ में आ रहा है क्या लॉजिक है इसमें? 24 तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि YDC एक्सपेरिमेंट में स्लिट्स आर 0.2 mm अपार्ट, क्या गिवन है, छोटा डी। स्क्रीन 1.5 मीटर अवे, क्या गिवन है, कैपिटल डी। इट इज ऑब्जर्व दैट डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सारे डिस्टेंसेस कहाँ से लेते हैं, सेंट्रल ब्राइट से। फोर्थ डार्क फ्रिंज गिवन है, चौथे डार्क फ्रिंज की दूरी गिवन है। चौथा डार्क फ्रिंज क्या होता है, फॉर्मूला ये रहा, है ना, डार्कनेस का फॉर्मूला ये रहा। तो एन की जगह 4 फुट करेंगे तो ये रहा। तो ये फॉर्मूला है, आपको वेव लेंथ निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा स्मॉल डी कैपिटल डी एक्स 4 पता है आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला कैसा, क्या अप्लाई करेंगे इसमें। नेक्स्ट देखें, यंग्स एक्सपेरिमेंट में स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.5 mm छोटा डी एंड स्क्रीन कैपिटल डी। इट इज फाउंड दैट नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ गिवन फ्रॉम द सेकेंड डार्क फ्रिंज। ये दूरी सेंटर से नहीं है, ये दूरी कहाँ से है, नाइन्थ ब्राइट की और सेकेंड डार्क की। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करें, नाइन्थ ब्राइट की, तो नाइन्थ ब्राइट की दूरी कैसे निकलती है, n लैम्डा d बाय स्मॉल d, यानी कि क्या आएगा यहां पर, 9 लैम्डा d बाय स्मॉल d। और सेकेंड डार्क कैसे निकलती है,
सेकेंड डार्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2n-1 इन टू लैमडा डी बाई 2d, तो x2 डैश क्या निकलेगा, 2 इन टू 2 पुट करो तो क्या आएगा, 3 लैमडा डी बाई 2d। तो आपको ये गिवन है कि इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है। सॉल्व करके क्या निकालना है आपको इस क्वेश्चन में, लैम्डा निकालना है, बड़ा डी स्मॉल डी गिवन है आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या फॉर्मूला, देखो वेव ऑप्टिक्स फॉर्मूला की तो गेम है टोटल, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, सिंपल है, कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर 1.5 mm अपार्ट, क्या के बना है, छोटा डी। व्हेन स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट स्क्रीन इज केप्ट 1 मीटर अपार्ट, कैपिटल डी। विड्थ ऑफ 10 फ्रिंजेस इज 3.93 mm, तो 10 फ्रिंजेस की विड्थ गिवन है, 10 फ्रिंजेस, तो एक फ्रिंज की क्या आएगी, 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, बीटा आ गया। अब आपको क्या निकालना है इसमें, वेवलेंथ बताओ भाई, जो बीटा आ गया, बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, यहां से सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, लैम्डा। अब केस नंबर 2 है, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ 10 फ्रिंजेस व्हेन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज इंक्रीज बाय 0.5 मीटर, तो पहले डिस्टेंस था कितना 1 मीटर, अब कितना है 1 प्लस 0.5 1.5 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया 1.5 मीटर, स्मॉल डी वही है, लैम्डा हमने निकाल लिया, एक फ्रिंज की विड्थ क्या है, लैम्डा डी बाई डी, कैपिटल डी चेंज कर दिया, उसे 10 फ्रिंजेस की विड्थ मांगी, तो आपको 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें। नेक्स्ट, देखो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वेवलेंथ लैम्डा गिवन है, स्लिट्स आर 0.1 सेंटीमीटर पार्ट का मतलब छोटा डी गिवन है, स्क्रीन 1 मीटर वे का मतलब कैपिटल डी गिवन है, कैलकुलेट एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमा, एंगुलर पोजीशन 10th मैक्सिमा क्या सिखाया था,
10 लैम्डा डी बाई डी को कैपिटल डी से डिवाइड, तो 10 पुट कर दो, लैम्डा और डी गिवन है, आंसर किस में आएगा, रेडियंस में, ठीक है। यहाँ तक सीधा फॉर्मूला एंगुलर पोजीशन का। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ एडजेसेंट मिनिमा, क्या सिखाया था, दो एडजेसेंट मिनिमा के बीच में क्या आएगा, मैक्सिमा, तो उसकी विड्थ निकाल दो, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, दो मिनिमा के बीच में डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कभी आता देखा नहीं है, बता देता हूँ, फॉर्मूला नोट कर लो, फॉर्मूला भी मेरे को याद नहीं है, बस देख के बोलूँगा मैं आपको, और ना ही हमने इसकी कोई थ्योरी की है विजिबिलिटी की। तो सोडियम लाइट की दो वेवलेंथ है, लैम्डा वन एंड लैम्डा टू, पाथ डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो बता पूछ रहा है कि विजिबिलिटी मिनिमम कब होगी, तो ये अगर नोट करना है फॉर्मूला बुक में रिमेंबर ही कर लो, हमने विजिबिलिटी का टॉपिक किया नहीं, वो कह रहा है विजिबिलिटी सबसे पुअरेस्ट तब होगी जब पाथ डिफरेंस अगर दो वेव में पी है और पी बाय पहली सोडियम की वेवलेंथ माइनस पी बाय सेकेंड सोडियम की वेवलेंथ का डिफरेंस हाफ आता है, तो पुअरेस्ट है। बस ये फॉर्मूला नोट कर लो, पाथ डिफरेंस निकालना है तो पाथ डिफरेंस निकालना है, लैम्डा वन लैम्डा टू गिवन है, कहाँ से आया, क्या करना है, नहीं चाहिए, वो भी सीबीएसई में तो बिल्कुल नहीं आएगा, कंपटीशन के लिए आ गया तो ठीक है, वैसे आया नहीं आज तक।